की जीत तय मानी जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी, तो 10 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है, कुछ ही देर में पहला नतीजा आएगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8 प्रत्याशी, राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी और एसपी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 7 एमएलए का वोट जो है वो एनडीए को गया है। एम्बुलेंस से वोट देने पहुंची अपना दल की विधायक, तो बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी की ओर से उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की है। तो बीजेपी के तरफ से कोई ऑफर नहीं मिला, यह बात कहनी है उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की है, उन्हें बीजेपी की ओर से कोई ऑफर नहीं मिला, यह बात तो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में की है। तो अभय सिंह ने क्या कहा वो हम आपको अभी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का क्या कहना है कि उन्होंने किसी के कहने पर क्रॉस वोटिंग नहीं की, बल्कि उनकी मर्जी से उन्होंने वोटिंग की है। क्रॉस वोट किया, ना किसी को छोड़ा है ना किसी को पकड़ा है, बहुत विचारों उपरांत एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दिया है, और इसमें अधिकार है हम विधायकों का, इसमें हित नहीं जारी होती है, अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है, ना इसमें पार्टी से ना विधायक की सदस्यता जाती है और ना कोई हित जारी हो सकती है। किसको वोट किया है आप सभी लोगों ने? संजय सेठ को हम लोगों ने, 7 विधायकों ने एक साथ जाके वोट किया है, और हमारी पड़ोसी विधायक हैं महाराजी देवी, 5 वोट देने नहीं आ पाई हैं, तो 7 विधायक हम सब एक दूसरे के साथ होते हुए जाके वोट किए हैं संजय सेठ जी को। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को आपने वोट नहीं किया? कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा करता है, कार्यकर्ता बूथ पे लाठी खाता है, गोली खाता है, मुकदमा लिखवाता है, संघर्ष करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है, जेल जाता है, उसके बाद सजा भी अब तो खा रहा है, और जब उसको पूरे जीवन को न्यौछावर कर देता है, पूरे अपने भविष्य को लगा देता है समाजवादी पार्टी या ऐसी पार्टियों के लिए, और जब कोई महत्व वाला पद कहीं ओबलाइजेशन वाली बात आती है तो ये जिनका कोई योगदान नहीं होता है पार्टी के प्रति उनको लाके दे दिया जाता है, तो इससे तो बहुत दुख होता है मन को। एक अंतिम सवाल, अखिलेश जी ने कहा है कि उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए नहीं ये पता करने के लिए खड़ा किया था कि कौन अपने साथ है और कौन नहीं है, ये लोग जो हैं ये बीजेपी के ऑफर पर चले गए, इस पे मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 राज्यसभा की सूचियों को देख लिया जाए, पिछली बार 3 राज्यसभा भेजे गए हैं और इस बार 3 राज्यसभा के कैंडिडेटों को प्रत्याशी बनाया गया है, इनका समाजवादी पार्टी के प्रति क्या योगदान था इस पे विचार हो जाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़कर, माननीय नेताजी को सुनकर और अखिलेश यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व पे भरोसा करके समाजवादी पार्टी में आए थे, हैं हम पेरियार को पढ़ के नहीं आए थे, आज पेरियार के विचार हमारी पार्टी पे हावी हो गए हैं, इससे हम लोग आहत हैं। तो क्या अब बीजेपी में जाने का मन बना लिया? नहीं, कहीं जाने का मन नहीं बनाया हूं, लेकिन केवल इतना मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ रहा हूं और पूरे उत्तर प्रदेश के जनता और नेता के सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि हम सब अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं, हम भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हमारी पत्नी कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो तो हमको पत्नी को छोड़ना चाहिए कि माँ बाप को छोड़ना चाहिए, ये आपके लिए प्रश्न है। हमने जाकर के वोट दिया, वोट गोपनीय होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पैरा में नहीं लिखा है कि वोट आप दीजिए और लोगों को बताइए, अगर आप किसी को वोट बता रहे हैं तो वो वोट इनवैलिड होता है, तो आपने दिए हुए वोट को इनवैलिड नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह से हमने दिया है वोट, उसको हम जो हमारे पार्टी के ऑथराइज पर्सन थे उनको हमने दिखा दिया है, उन्होंने बाकायदा देखा है मैंने किसको वोट दिया है और वो जानते हैं। लेकिन सुबह से अखिलेश यादव का ये बयान आया कि जिन लोगों की चर्चा आ रही है या जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इनको बीजेपी के द्वारा एक बड़ा ऑफर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर ये कहा तो कोई गलत नहीं कहा, वो तो उनको मालूम ही होगा किसको दिया किसको नहीं दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो चाहे वो उनको अधिकार है कि वो उस पर
अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मतदान गोपनीय होता है और सिर्फ ऑथराइज पर्सन दिखाया जाता है। लेकिन क्या उसकी चर्चा हम कहीं कर सकते हैं बाहर? चर्चा करना भी जो हम पद और गोपनीयता की शपथ ले, गोपनीयता की शपथ क्या है, वहीं लेते हैं ऊपर ना पीठ पे, तो उस पद और गोपनीयता की शपथ को हम कैसे तोड़ सकते हैं? उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। सीबीजे एक तस्वीर भी सामने आई। दरअसल एक विधायक एम्बुलेंस से अपना वोट डालने के लिए पहुंची। बता दें कि अपना दल की विधायक नील रतन सिंह नीलू एम्बुलेंस से वोट डालने पहुंची। दरअसल अपना दल विधायक कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, ऐसे में वो पूरी सुरक्षा के साथ राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पहुंची हैं। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता का, राजीव सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ निकिता हमारे साथ बीजेपी के दफ्तर से हैं। राजीव, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? पहला नतीजा कितनी देर में आएगा और किस तरीके का माहौल इस वक्त वहां पर है? इस वक्त अनुपम, राज्यसभा चुनाव का जो मतगणना है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो आपको तिलक हाल नजर आ रहा है, इसी में मतगणना का कार्य चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही कि अगले एक घंटे के अंदर जो राज्यसभा निर्वाचन के परिणाम है उनका ऐलान किया जा सकता है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं वो इस वक्त परिसर में पहुंचे हुए हैं और वो ये खुलकर दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की, उन्होंने संजय सेठ के समर्थन में जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अपने साथ साथियों के साथ जाकर मतदान किया है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी में जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता। और जो आप पीडीए की बात करने वाले जो नेता हैं हमारे, उनकी अगर लिस्ट देखेंगे राज्यसभा चुनाव में तो उसमें भी उनको जगह नहीं दी गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इस वक्त हमारे साथ विधायक जी जुड़े हैं, राकेश प्रताप जी, क्या अपने पक्ष में, किसके पक्ष में मतदान किया है? वोट तो दे दिया, बता भी दिया, आपको भी रहता है चैनल पे, अब हो गई बात। अब बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आएंगे आपके पास। नितिका की तरफ रुख करते हैं। नितिका हमारे साथ है। नितिका बताइए, बीजेपी के दफ्तर में आप मौजूद हैं, क्या माहौल वहां पर है, कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से जश्न की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर में रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो 8 प्रत्याशी हैं उनकी जीत तय मानी जा रही है। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां तमाम कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर आए हुए हैं और यहां पर धीरे धीरे जो जश्न है उसका माहौल बनता जा रहा है। कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, किस तरह का उत्साह है, बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम बलरामपुर से हैं। जीत तय है और अब से कुछ देर में जश्न की तैयारी शुरू होगी। 101% जीत तय है, उसमें कोई कंफर्म नहीं है। 101% जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की जीत 100% है। किस तरह से जश्न मनाने वाले हैं? खूब धूमधाम से जश्न मना रहे हैं हम सभी लोग मिलकर और इंतजार चल रहा है, बस जीत 100% हम लोगों की कंफर्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, 100% जीत तय है। आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, बात भी कर लेते हैं। जीत तो तय है, कुछ देर में रिजल्ट्स आ जाएंगे, किस तरह की जश्न की तैयारी है? मिठाई विठाई बांटी जाएगी, क्या कुछ है, ढोल लगा मंगाए कि नहीं? हम सब लोग मथुरा और ब्रज के लोग हैं और मथुरा और ब्रज के लोगों के हाथों में तालियों में इतनी ताकत है कि इस समय तो पूरे मथुरा और वृंदावन में दिखा दीजिए थोड़ा सा, पता तो चले कि जीत बांके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल गिरिराज महाराज। बिल्कुल नितिका, आप और राजीव नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।